आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के खिलाफ जो तीनों कानून है उसके संबंध में आज जो सुनवाई थी, उस सुनवाई के संबंध में जो दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो जाएगी और किसान रैली आ रही है, ट्रैक्टर रैली आ रही है, उस संबंध में मैंने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जवाब दिया कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया वो पूरी तरह से झूठ है, उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहली बात, जब नई दिल्ली क्षेत्र में जिसमें कि राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी की झांकियां निकलती हैं, गणतंत्र दिवस की परेड होती है, रिहर्सल होता है, परेड होती है, फिर बीटिंग रिट्रीट होता है, और उस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 सीआरपीसी खुद कहती है कि 5 से 6 व्यक्ति अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो जो इस बात को उन्होंने कहीं भी एप्लीकेशन में नहीं लिखा है कि हमने खुद किसानों को रोका है। किसानों को जहां भी दिल्ली पुलिस ने रोका, जैसे भी रोका, लोहे के बैरिगेट से रोका, सीमेंटेड बैरिगेट से रोका, वहीं रुक गए हैं। तो किसान लॉ अवॉइडिंग है, सिटीजन है, रिलीजियस है, और किसान तो धूप वर्षा गर्मी में तप के संत हो जाता है, ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सीजीआई की भी बात बताएंगे, पहले मैं अपनी बात कर दूं, मैं तो डिफेंस काउंसिल हूं ना, किसानों की तो बात कर लें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि आज इस जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं, बैरीगेट के अंदर दिल्ली की तरफ बैरीगेट के अंदर 30 कारवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरीगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए, समय पे, इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे, ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री चुने गए, पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप, इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बन के, इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो। और केस की अगली सुनवाई परसों होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को अर्जेंट करते हुए कहा कि परसों होगी, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई होगी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा, और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है, ना बैरिगेट की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है, धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है धारा 144, जो कि दिल्ली देश की राजधानी में लगी हुई है, और ऐसे समय पे लगी हुई है, और ऐसे समय के बहुत महीने पहले से लगी हुई है, जब से रिपब्लिक डे होने वाला था, पिछले वर्ष से लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि कुछ अलाउ किए जाए कुछ, अब देखिए 400 से 500 तो किसान संगठन है इस देश में कहे जाते हैं, वार्ता के लिए विज्ञान भवन चुना गया, मतलब उनके प्रतिनिधि इतने अधिक हैं कि वार्ता के लिए विज्ञान भवन पहुंचते हैं, सभी बॉर्डर पूरी तरह से हजारों हजार लाखों किसान सीमा पर बैठे हैं, अब उनमें से किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम सुनवाई, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोले सीजीआई, पुलिस तय करे दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं। 20 जनवरी को इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम सुनवाई,
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है, 20 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, देखिए लोगों को बहुत उम्मीदें थी खासतौर से सुनवाई से, क्योंकि तमाम अन्य मुद्दे भी इसके साथ ही जुड़े हुए थे, जैसे समित को लेकर बात थी या एनआईए ने जो समन जारी किया उसको लेकर बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे दिल्ली पुलिस की आस्था से सुनवाई कर रहा था और सीबीआई साफ तौर पर या दिल्ली पुलिस को भी कि उनके पास क्या पावर है, क्या शक्तियां, दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा। और वो पहली पार्टी नहीं है, वो कोई आदेश नहीं दे सकते और वो कोई पहली पार्टी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसका काम है, कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसकी रैली होगी किसकी नहीं होगी, ये तय करना सरकार और पुलिस का काम है। तो ऐसे में पुलिस जो चाहे वो कर सकती है। हालांकि सीबीआई ने ये जरूर साफ किया कि अगली सुनवाई जो है वो बुधवार को होनी है, लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस आखिर उनसे क्यों कहलवाना चाहती है, उनके पास क्यों आए, किस लिए डिसीजन लेना चाहती है, क्योंकि वो पहली पार्टी नहीं है और वो इसे लेके आदेश नहीं कर सकते। पहले जब किसान खासतौर से दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने रोका उन्हें और बॉर्डर पे ही कई हजार किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जब 26 जनवरी की बात आ रही है तो दिल्ली पुलिस उनसे आदेश की उम्मीद क्यों करती है? पुलिस के पास पावर है, सरकार के पास पावर है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, अपनी तरह से पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं किसान, तो पुलिस सभी चीज को काबू में ले रही थी, लगातार उनकी तरफ से चीजें की जा रही थी, किसानों को जिस तरीके से बैरिकेटिंग्स लगा करके रोका जाता है सब कुछ पुलिस ने किया, लेकिन अब जिस तरीके से याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा कि पुलिस को क्या कुछ करना है, अपने अधिकारियों का आप प्रयोग करिए और साथ ही साथ आप तय करिए कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने आज सबसे बड़ी मांग रखी है कि उन्होंने कहा कि अब स्थितियां बदल चुकी है। जब किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, जब उन्होंने बॉर्डर पर अपनी पावर के अनुसार रोका कि खासतौर से दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, दिल्ली में किसी तरह का व्यवधान ना हो और खासतौर पर बॉर्डर पे रोका गया किसानों को, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। 50 से ज्यादा दिन जो है वो किसान आंदोलन खो चुके हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। ऐसे में कुछ भी संभव है, क्योंकि पिछले दिनों खासतौर पर हमने राजस्थान में देखा, कई इलाकों में देखा कि किस तरह से किसान उग्र हुए, और ना सिर्फ उग्र हुए, यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जनसभा होने वाली थी, किसानों के साथ संवाद होने वाला था, और ऐसे में किसानों ने इस मंच को तोड़फोड़ दिया, तमाम कुर्सियां तोड़ी गई, यहाँ तक कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो पुलिस की कार्रवाई, दिल्ली पुलिस भी अब से फाइल में जाना चाहती है कि बाद में अगर कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये ना कहे कि किस तरह की दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। इसलिए कोर्ट के जरिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ये पुलिस की अपनी पावर है, पुलिस को क्या करना है, सरकार को क्या डिसीजन लेना है, सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन पहली प्राथमिकता दिल्ली पुलिस की, और वो पहली पार्टी नहीं है इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले रहा। अगर वो पहली पार्टी होते तो वो इस बारे में कुछ सोचते। अब दिल्ली पुलिस को ही सोचना है कि आखिरकार किसानों को 26 जनवरी प्रवेश देना है या नहीं देना है, या उन्हें बॉर्डर पे ही रखना है। हालांकि मामले सुनवाई बुधवार को फिर दोबारा होनी है, 20 तारीख को दोबारा सुनवाई होनी है, तो ऐसे में पुलिस को एक बार फिर उम्मीद होगी कि वो चीजें निकाल के लाए कि किस तरह हो सकता है कि अब आने वाली सुनवाई में एनआईए का जो तथ्य जो समन जारी किए गए उसे लेके भी यहाँ पे हो कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और दिल्ली पुलिस ऐसे में कोर्ट का कॉन्फिडेंस लेना चाहती है, कोर्ट की न्याय आदेश लेना चाहती है। तो ये सारे सवाल जरूर बुधवार को दिल्ली पुलिस लेके आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। जो पुलिस करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए छूट दी है कि किस तरह दिल्ली पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये दिल्ली पुलिस को सोचना है। जी बिल्कुल अमित, अगर समिति की बात की जाए, जिस तरीके से लगातार किसान समिति का विरोध कर रहे थे और आज कहीं ना कहीं समिति को लेकर के भी सुनवाई हो सकती थी और इसको लेकर के कुछ फैसला लिया जा सकता था, तो इसको लेकर के क्या लगता है, क्या 20 तारीख को फिर से इस पर बात हो सकती है? देखिए आज सुनवाई बहुत देर नहीं हुई है कि जैसे पुलिस की तरफ से पक्ष रखा गया कि ये याचिका और इसके कोर्ट जो है कोर्ट से यहाँ पे आदेश या निर्देश प्राप्त करने की दिल्ली पुलिस ने यह याचिका डाली है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाए, और उस पर सीबीआई खुद इंटरप्ट कर रहे थे, सीबीआई खुद जवाब दे रहे थे यहाँ पे कि ये उनका काम नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का काम है,
अन्य मुद्दों को लेकर उस तरह चर्चा नहीं, जो जिस बात की अटकले थी, खासतौर पर कि समिति का एक सदस्य कम हो गया है, उस समिति को लेकर सीजेआई कुछ बोल सकते हैं कि समिति का को दोबारा और बनाया जाएगा और लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, या जो फिलहाल तीन लोग बचे वही समिति की जांच करेंगे। किसान जो समिति के खिलाफ नहीं, समिति के सामने जो नहीं आ रहे हैं, उसे लेके भी कोर्ट क्या कुछ कहेगा। लेकिन इन सारी चीजों को कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि मामले सुनवाई बुधवार को होनी है, इससे पहले कल सरकार साथ विज्ञान भवन बैठक भी होनी है, तो जाहिर तौर पर बैठक में क्या कुछ होता है वो भी निगाहें होंगी। और दूसरी चीज की दिल्ली पुलिस नया क्या लेके आती है जो कोर्ट के सामने रखते, जिससे कोर्ट से 26 जनवरी लेके कोई आदेश यहाँ पे पारित करवाए, तो ये सारे विषय होंगे जिन्हें लेके जो कि बुधवार को कोर्ट में रखे जाएंगे। और हो सकता है कि बुधवार को कोर्ट इसे लेके कोई फैसला दे, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस को कोई राहत नहीं मिली है, किसानों को भी नहीं मना किया गया है कि किसान जो है दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करें, जिस तरह ट्रैक्टर रैली लेके किसान तैयारियां कर रहे हैं, और पुलिस को भी पूरी छूट दी गई है कि किस तरह से वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें सुनवाई पर टिकी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई को टाला गया, तो अब हम अगर बात करते हैं कल की होने वाली बैठक को लेकर के, सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी है, लेकिन इतने दौर की जो बातचीत हुई बेनतीजा जो बातचीत रहती है, अब जिस तरीके से सुनवाई टली है, तो कहीं ना कहीं हम कल की बैठक से क्या कोई उम्मीद लगा सकते हैं या नहीं? देखिए, जो पिछली बैठक थी उसमें मेन मुद्दा था एमएसपी का, एमएसपी को लेके बात आगे बढ़ रही थी, सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है वो एमएसपी को लेके सरकार जो है वो किसानों को लिखित देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार जिस बात को लेके किसानों को लगातार कह रही है कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो सकते, संशोधन की बात हो सकती है, क्लॉज बाय क्लॉज संशोधन की बात हो सकती है, सरकार उसके लिए तैयार है, तो क्या किसान इस बात के लिए राजी होंगे? क्योंकि किसान अब तक किसी बात पे राजी नहीं है, किसान सिर्फ एक ही बात मांग को लेकर कि तीनों कृषि कानून वापस हो, और यही वजह है कि सरकार भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। बैठकों का दौर लगातार जारी है, 9-10 बैठकें जो है वो अब तक हो चुकी है। किसान अपनी